एवरीवन, वेलकम टू द फ्री स्टडी जैम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज। तो आज बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 421 से लेके 450 तक के। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी तरह कवर कर चुके हैं, तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट वो बना दी है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 421 है, इन वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम्स इफ ओमेगा बाई ओमेगा एन इज लेस देन 1.414 मतलब √2 देन ट्रांसमिसिबिलिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर। देखिए, अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू √2 से कम होगी तब ट्रांसमिसिबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू ग्रेटर देन √2 होगी तब ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू √2 के इक्वल होगी तब ट्रांसमिसिबिलिटी 1 होगी। ठीक, ये तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्या दिया है, ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू √2 से कम है मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी आपकी 1 से ज़्यादा होगी। ठीक, तो मोर देन यूनिटी, करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 422 है, इन वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम ट्रांसमिसिबिलिटी इज यूनिटी। तो ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी आपको बताया ओमेगा एन की वैल्यू √2 होगी तो ट्रांसमिसिबिलिटी वैल्यू 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका √2 के इक्वल। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 423 है, इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट कैन बी कंसीडर्ड बाई एडिंग फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ द शाफ्ट टू दैट ऑफ डिस्क और फ्लाईव्हील। तो ये होता है आपका 1/3। ठीक, अगर हम इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट को भी मान लें तो आपको ओमेगा एन इक्वल टू होगा KT डिवाइडेड बाई I प्लस IS बाई 3। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 424 है, इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज 1। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये है क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, अंडर डैम्प्ड के लिए जीटा की वैल्यू 1 से कम होगी और ओवर डैम्प्ड के लिए जीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ओके, इसके बाद 425 है, इन अ डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो डैम्पिंग फोर्स आपका होता है C × x dot मतलब की वेलोसिटी। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 426 है, फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी अंडर स्टेडी स्टेट फोर्स्ड वाइब्रेशन इफ रेशियो ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा एन इज वेरी लो। ठीक, द फेज एंगल वुड टेंड टू अप्रोच, तो वो 0° एंगल की तरफ अप्रोच करेगा। अगर ये ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो किस तरफ जाएगा, 180 की तरफ। ओके, 427 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज मोर डेंजरस फॉर अ शिप। तो पिचिंग इफेक्ट जो है वो आपका बाकी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 428 है, स्टब्ड शाफ्ट ऑफ डायामीटर D1, D2 and D3 ऑफ लेंथ L1, L2 and L3 रेस्पेक्टिवली इज टू बी रिड्यूस्ड टू अ टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर D1। द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट शाफ्ट इज इक्वल टू, तो ये आपका होता है L1 + L2 D1 / D2 की पावर 4। ठीक, और इसी तरह से फिर L3 और D1 / D3 की पावर 4। ठीक, तो ये किस में आएगा ऑप्शन, तो ये आपका आएगा डी पार्ट। ठीक, L1 + L2 / D1 / D2 की पावर 4 + L3 / D1 / D3 की पावर 4। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। 429 है, तो गवर्नर रिलेटेड है फीडबैक कंट्रोल से, ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल AP साइक्लिक ट्रेन से। इसके बाद आपका डायनेमिक एब्जॉर्बर है, वो आपका किससे, वो है 2-mass ऑसिलेटर से, और इंजन इंडिकेटर है पेंटोग्राफ से। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2, 3, 4, 1। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है सी पार्ट। ठीक, इसके बाद 430 है, कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन। तो कोरियोलिस कंपोनेंट कितना होता है एक्सीलरेशन का, वो होता है 2 ओमेगा v, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर पे डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 and 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 431 है, इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होता है, ma के, मतलब कि md2y / dt2। तो 2 स्प्रिंग होता है kx, तो यहाँ पे ky दिया हुआ है, तो 4 डैम्पिंग फोर्स C × वेलोसिटी, तो 1241 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr² 2413 के इसका करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 432 है, इन गियर्स इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन। तो गियर में इंटरफेरेंस कब होगा, जब द टिप ऑफ द टूथ ऑफ द मेटिंग गियर डिक्स इनटू द पोर्शन बिटवीन बेस एंड रूट सर्किल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 433 है, क्वाड्रिक साइक्लिक चेन। तो ये किससे रिलेटेड है, एकरमैन स्टीयरिंग से। ठीक, तो 3
इसके बाद सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, तो इसका इन्वर्जन क्या है, पेंडुलम पंप, तो ये किससे रिलेट हुआ, पेंडुलम पंप से, तो 3 और 5। इसके बाद डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन क्या है, एलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक 3, 5, 1। और क्रॉस्ड स्लाइडर क्रैंक चेन का क्या है, तो वो है आपका रैपसन स्लाइड, ठीक, तो 3, 5, 1, 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। इसके बाद 434 है, अ फ्लाई व्हील इज फिटेड टू द क्रैंक शाफ्ट ऑफ एन इंजन हैविंग ई अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड वर्क पर रिवॉल्यूशन एंड परमिसिबल लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड स्पीड एज के ई एंड के एस रेस्पेक्टिवली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। तो देखिए जो चेंज इन एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, 2 ई सी एस, ठीक, और जो के ई है ये मतलब के एस है, ठीक, इन्होंने के एस से डिनोट किया है, तो के एस, और के ई कितना होता है, वो होता है डेल्टा ई डिवाइडेड बाई वर्क डन पर साइकिल, जो कि इन्होंने शो किया हुआ है ई से, ठीक। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा, ये आएगा ये के ई ई डिवाइडेड बाई 2 के एस, ओके। अगर इसको अरेंज भी करेंगे तो इसको आप लोग करके आप लोग इसको भी देखिए, तो डेल्टा ई इक्वल टू 2 ई के एस, और डेल्टा ई इक्वल टू है आपका ये डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू के ई, तो डेल्टा ई हो जाएगा के ई ई, तो आपका ई इक्वल टू आ जाएगा के ई ई डिवाइडेड बाई 2 के एस, ठीक। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये दोनों ई अलग हैं, आप लोग इनको सेम मत समझिएगा, ठीक। ये वाला ई क्या है, वर्क डन, तो इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर ले रहा हूँ, ठीक। तो ये है आपका वर्क डन पर रिवॉल्यूशन, ठीक, तो के ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 के एस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद है 435, अ हार्डनेल गवर्नर हैज़ इट्स कंट्रोलिंग फोर्स एफ गिवन बाई एफ इक्वल टू पी प्लस क्यू आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द बॉल्स एंड पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, ठीक। तो इसमें आपका द गवर्नर बिकम आइसोक्रोनस, तो आइसोक्रोनस कब होगा, जब एफ इक्वल टू क्यू आर होगा, ठीक, मतलब कि पी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 436 है, द प्लॉट्स ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स वर्सेस रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर्स आर सोन इन द गिवन फिगर, अ स्टेबल गवर्नर इज कैरेक्टराइज बाय द कर्व लेबल्ड। तो देखिए मैक्सिमम स्टेबल गवर्नर कौन सा होगा, 4 वाला, ठीक, और इसकी इक्वेशन कितनी होती है, इसकी इक्वेशन होती है क्यू आर माइनस पी, ठीक, ये होती है स्टेबल गवर्नर की, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 437 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कम्प्लीटली बैलेंस सेवरल मासेस रिवॉल्विंग इन डिफरेंट प्लेन ऑन अ शाफ्ट, तो इसके लिए आपको 2 मासेस इन एनी चाहिए, ठीक, 2 मास किसी भी 2 प्लेन में, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 438 है, विद सिंबल हैविंग द यूजुअल मीनिंग्स द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम mx.amx" (+cx)" इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन जो है आपकी वो है फोर्स्ड वाइब्रेशन विद डैम्पिंग। अगर यहाँ पे आपका एफ साइन ओमेगा टी ना होता तो ये होता फ्री वाइब्रेशन विद डैम्पिंग, अगर यहाँ पे सी एक्स डॉट ना होता तो वो होता फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग, ठीक। इसके बाद आपका 439 है, इन द 2 रोटर सिस्टम सोन इन द गिवन फिगर I2 इज ग्रेटर देन I1 अ नोड ऑफ वाइब्रेशन इज सिचुएटेड। देखिए नोड ऑफ वाइब्रेशन दोनों के बीच में होगा और उसके नियर होगा जिस रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्जिया ज़्यादा होगा, ठीक, मतलब कि 2 वाले का, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी पार्ट, बिटवीन I1 एंड I2 बट नियरर टू I2। 440 है, अ सिंपल स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ n इफ द स्प्रिंग स्टिफनेस इज हाफ्ड, मतलब कि अंडर रूट KYM, ठीक, स्प्रिंग स्टिफनेस को हाफ कर दिया और मास को डबल कर दिया, तो ये हो गया K/4m, मतलब कि जो आपकी वो है फ्रीक्वेंसी वो हो गई n/2, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 441 है, इन इन्वॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल इज, तो इन्वॉल्यूट गियर में प्रेशर एंगल कॉन्स्टेंट होता है। तो इसके बाद आपका 442 है, कोटर जॉइंट, तो कोटर जॉइंट किससे रिलेटेड है, तो कोटर जॉइंट है, तो ये कनेक्ट करता है, रिजिडली कनेक्ट्स 2 मेंबर्स, ओके, तो 2 है इसका। तो नकल जॉइंट का क्या है, तो नकल जॉइंट का है कनेक्ट्स 2 रॉड्स हैविंग थ्रेडेड एंड्स, ओके, तो आपका हो गया 2, 3।
इसके बाद टर्न बकल, तो टर्न बकल आपका क्या करता है, तो ये कनेक्ट करता है टू रॉड्स और परमिटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक, जिसमें कि मतलब हो सकती है, ठीक, टू टू थ्री वन। इसके बाद रिवेटेड जॉइंट, तो रिवेटेड जॉइंट परमानेंट फ्लूड टाइट जॉइंट बिटवीन टू फ्लैट पीसेस, ओके, तो आपका ये हो गया 2314 और 2314 किसमें, डी पार्ट, डी में, ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 443 है, इन अ बेल्ट ड्राइव द पुली डायमीटर इज डबल्ड कीपिंग द टेंशन एंड बेल्ट विथ कॉन्स्टेंट देन इट विल बी नेसेसरी टू, देखिए अगर डायामीटर को ये इनक्रीज कर रहे हैं तो आपका टॉर्क भी इनक्रीज होगा, ठीक। अब ये टॉर्क इंक्रीज हुआ है तो इसको, इस टॉर्क को रजिस्ट करने के लिए हमें विथ बढ़ानी होगी की की, ठीक, क्योंकि हम बेल्ट विथ तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो अगर बेल्ट विथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम लेंथ में भी चेंज नहीं वो कर सकते हैं, इसलिए हमें की विथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 444 है, अ बॉडी इन मोशन विल बी सब्जेक्टेड टू कोरियोलिस एक्सीलरेशन व्हेन दैट बॉडी इज, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट बॉडी इज रीस्ट्रेन टू रोटेट वाइल स्लाइडिंग ओवर अनादर बॉडी, ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 445 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ राउंड बार इन अ राउंड होल फॉर्म्स अ टर्निंग पेयर, एकदम सही है, अ स्क्वायर बार इन अ स्क्वायर होल स्लाइडिंग पेयर, ये भी सही है। और इसके बाद थर्ड है, अ वर्टिकल शाफ्ट इन अ फूड स्टेप बेयरिंग फॉर्म सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट, ये भी सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इसके बाद 446 है, द सेंसिटिविटी डी एच बाई डी एन ऑफ अ पोर्टर गवर्नर वेयर एच इज द हाइट ऑफ द पिन पॉइंट ए फ्रॉम द स्लीव एंड एन इज द आर पी एम इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए जो आपका एच है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/n² के, तो डी एच बाई डी एन किसके होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा 1/n³ के, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/n³, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 447 है, अ मशीन माउंटेड ऑन अ सिंगल कॉयल स्प्रिंग हैज अ पीरियड ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑफ टी इफ द स्प्रिंग इज कट इन टू 4 इक्वल पार्ट्स एंड प्लेस्ड इन पैरेलल, अगर स्प्रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करा हो पैरेलल पुट कर दिया है तो 4 × 4 हो जाएगा टोटल स्टिफनेस 16 के, ठीक। अब टी प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट 1/k के, अब के हो गया 16 टाइम्स तो टी कितना हो गया, T/4, ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 448 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो इसमें करेक्टली मैच पेयर कौन सा है, तो इसमें है आपका ये वाला फोर्थ वाला, ठीक, फ्रीक्वेंसी, ये फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का लॉ है, ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। 449 है, देयर आर 6 गियर्स ए बी सी डी ई एफ इन अ कंपाउंड ट्रेन, द नंबर ऑफ टीथ इन द गियर्स आर 20, 60, 30, 80, 25, 75 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रिवर ड्रिवन टू द ड्राइवर, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑड गियर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और इवन गियर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, ऑड गियर मतलब ए सी और ई गियर के टीथ ऊपर रहेंगे और बी डी एफ गियर के टीथ नीचे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 450 है, अ फिक्स्ड गियर हैविंग 100 टीथ मैसेज विद अनदर गियर हैविंग 25 टीथ द सेंटर लाइंस ऑफ बोथ द गियर्स बीइंग जॉइंड बाय एन आर्म सो एज टू फॉर्म एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर वन रोटेशन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो इसको इस बार आप लोग अटैम्प्ट करेंगे, ठीक, तो ये वाला इसी मतलब यही आर के जन बुक में पीछे है, तो इसको यार क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इस बार आप लोग अटैम्प्ट करिए, ठीक, और इसका करेक्ट ऑप्शन है 5, ओके, तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन बचते हैं 17 क्वेश्चन, अब इसमें हम लोग के थ्योरी ऑफ मशीन में बचे हैं, वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, ओके। और एक बात, कल संडे था तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में फुल टेस्ट अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।